नजारा देख लीजिए एक बार यहाँ का। यहाँ पे मैगी बन के तैयार हो चुका है हमारा। इतना धुंध है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किधर है? हाँ जी भाई, तो ये देख लीजिए ऐसा कुछ व्यू है हमारे बालकनी से। हाँ जी, तो देख लीजिए आ गया हमारा लंच यहाँ का। हमने यहाँ पे कैसे एक ट्रेलर है जो फंसा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आप लोग का मेरे एक और नए ब्लॉग में। जी हाँ, हमेशा की तरह फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि ये ब्लॉग भी आप लोगों को लगभग 3 महीने बाद देखने को मिल रहा है। अचानक से बना प्लान और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं मेरे को अभी नहीं पता, लेकिन आप लोग को थंबनेल में ज़रूर दिख जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं शायद कवर्धा के आसपास में, जो कि हमारे ओरिजिन से लगभग 150 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो अभी हम लोग रुके हैं नाश्ता करने के लिए और मैं वहीं से वीडियो का शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी प्लान बना है बहुत अचानक से बना है। तो चलिए अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं और हम लोग दोस्त लोग के साथ जा रहे हैं। तो चलिए, मॉनसून का महीना है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि रास्ते में जो जो भी स्पॉट मिलेगा वो सारे चीज़ हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ से भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो सब लोग को मेरा नमस्कार। तो अभी जस्ट निकले हैं घर से और ये पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलते हैं, अभी नाश्ते में क्या है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। अच्छा रहा तो उसका भी रिकमेंड करूंगा मैं आप लोगों को। हाँ जी, तो देख लीजिए ये नाश्ता होने वाला है आज का हमारा। जैसे भाई लोग बैठे हैं, सबसे मुलाकात कराते हैं आप लोगों को। ये इडली सांभर है और ये बड़ा है, साथ में चटनी भी है। दुकान का नाम देख लीजिए, सिकड़ी डोसा है, ये घर के पास में ही हमारे। तो हाँ जी, तो देख लीजिए इडली के साथ साथ अभी डोसा भी आ गया हमारे साथ, हमारे पास में। तो चलिए जल्दी से इसको भी फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे एक साथ। हाँ जी, तो फाइनली हमारा नाश्ता हो चुका है। अगर ओवरऑल रिव्यू बताऊँ मैं नाश्ते का, तो ठीक था, अच्छा था। अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा तो 3 out of 5 दे सकते रेटिंग के लिए। तो चलिए निकलते हैं, अभी नाश्ता तो हो गया हमारा। समय भी देख लीजिए लगभग 10:30 बज रहा है, तो हम लोग को यहाँ से पहुँचते पहुँचते लगभग 3-4 तो बज ही जाएगा, 2-3 घंटे का सफ़र है। तो ये हमारे सारे फ्रेंड्स लोग से मिल लीजिए। ये हमारे निखिल भाई साहब, ये हमारे ईश्वर भाई साहब, और ये हमारे संजीव सर, और ये हमारे रत्नेश सर। तो हम लोग 5 लोग हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। देख लीजिए ऐसा कुछ रूट होने वाला है आज का हमारा, भिलाई से लेके कवर्धा तक लगभग 150-160 किलोमीटर कवर करने वाले हम लोग। देख लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ का शिवनाथ नदी। अभी मॉनसून का महीना है तो काफ़ी पानी भरा हुआ है अभी यहाँ पे, और काफ़ी हरा भरा रास्ता है, पूरी हर जगह भी हरियाली हरियाली दिख रही है आप लोगों को। बहुत ही मस्त और बहुत ही सुहाना मौसम, और इसी मौसम में रोड ट्रिप करने का मज़ा ही कुछ अलग है। Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot. Can't deny it. Some days I feel idiotic, just a product of a. तो finally आधे घंटे के सफर के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं धमदा शहर, जो कि हमारे भिलाई से लगभग 30 किलोमीटर दूर में पड़ता है। और हम लोग रुके हैं यहाँ पे टी पॉइंट में, पटेल रेस्टोरेंट में। तो चलिए यहाँ चाय पीते हैं और निकलते हैं। मौसम आप लोग देख ही रहोगे काफ़ी सुहाना है, और आगे भी अच्छे अच्छे नज़ारे मिलने वाले हैं। नदी में भी पानी काफ़ी उफान पे है। तो अभी पीते हैं यहाँ पे चाय और निकलते हैं। It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. लगभग 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, जियो के पेट्रोल पंप पे। मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपने शिरडी वाले ब्लॉग में बताया था कि आप लोग अगर पेट्रोल पंप देख रहे हैं अगर लॉन्ग रूट में, तो जियो का पेट्रोल पंप प्रीफर कीजिए। तो हम लोग को जियो का पेट्रोल पंप मिला, तो हम लोग यहीं पे डीजल डलवाने के लिए गाड़ी में रुके हैं। तो चलिए प्राइस रेट वगैरह देख लीजिए कि आज क्या है, डेट आप लोग को तो शो नहीं हो पाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पे डलाते हैं हम लोग अपने गाड़ी में डीजल, हमारी डीजल इंजन है। काफ़ी लंबा सफ़र अभी हम लोग को तय करना है, हम लोग काफ़ी रुकते रुकते आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा मस्ती करते करते जा रहे हैं। रोड भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, तो आराम से रुकते रुकते हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए अभी डलाते हैं हमने डीजल और निकलते हैं यहाँ से।
realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. चलिए फाइनली एक घंटा के सफर तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अभी कवर्धा जिला। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर और रह गया जो हमारा रिसॉर्ट है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को अभी पता चला कि हम लोग वो रिसॉर्ट जा रहे हैं। रिसॉर्ट का नाम शायद सरोदा दादा है, आप लोग को थंबनेल में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए टी पॉइंट पे। यहाँ से चाय पी के हम लोग निकलेंगे सीधा, और आगे मैं आप लोग को बता दूँ घाट सेक्शन चालू होगा। तो आप लोग इस चीज़ का मज़ा ज़रूर लीजिएगा वीडियो में, क्योंकि आगे जितने भी सेक्शन है सब घाट सेक्शन आने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, वीडियो अगर शायद लंबा हो जाए तो मैं इसको एपिसोड वाइज बना दूं, लेकिन फ़िलहाल तक तो वीडियो कोई लंबा नहीं है क्योंकि 2 घंटे का रास्ता और ज़्यादा दूर जाना नहीं है। हम लोग बीच में कुछ स्पॉट्स कवर करने वाले थे लेकिन हम लोग को लेट हो गया, इसलिए हम लोग कवर नहीं कर पाए। तो चलिए अभी हम लोग मिलते हैं आपको रास्ते में घाट सेक्शन के साथ में, फ़िलहाल चाय पी लेते हैं। आप लोगों को बता दूँ कवर्धा शहर जो है एक सकरी नदी के किनारे में बसा हुआ है, और यही शहर से लगा हुआ सतपुड़ा पहाड़ है जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। नागवंशी का शासन था यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी मंदिर और किले वगैरह बनवाए हैं, तो इसी कारण यहाँ ये जो कवर्धा है अपने मंदिरों और किलों के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से, चाय पीना हो गया हमारा, चलते हैं सीधा रिसॉर्ट पर मिलते हैं। और अभी आगे घाट सेक्शन आने वाला है, तो मैं आप लोगों को बताया हूँ वो घाट सेक्शन का आनंद अभी हम लोग लेते हैं आगे। Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, oh, what we made to fall. Slowly exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave until empty. Got it all back by myself. No, nobody can tempt me. If I tell her all the wrong, I'm breathing and sitting on my own. Can't keep making exits from the pressure, lessons after lessons, had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not only one solo, I'm solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave and if I'm better off alone. Breathe and embrace it on my own. तो हम लोग ऑलरेडी घाट सेक्शन में एंटर कर चुके हैं जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, और यहाँ पे काफ़ी लंबा जाम भी लगा हुआ है सामने। धीरे धीरे आगे गाड़ी हटाने का काम चालू है अभी, और भाई क्या ही व्यू है यहाँ से मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। सामने देख रहे हो पूरा बादल ही बादल है, नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा धुंध है और काफ़ी जाम लगा हुआ था यहाँ पे। लगभग आधे घंटे जाम के बाद यहाँ से गाड़ी निकल चुकी है, और सामने देख सकते हो आप लोग वहाँ पे एक ट्रक फंस गई है, ट्रेलर। भाई बहुत ही खतरनाक एरिया है ये,
और खासकर बारिश के दिन में जहाँ ब्रेक फेल वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। देख सकते हैं आप लोग सामने यहाँ पे कैसे एक ट्रेलर है जो फंसा हुआ है। ये देख लीजिए, पास से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से फंसा हुआ है गाड़ी यहाँ पे, और काफ़ी सारे गाड़ी जो है यहाँ से ओवरपास हो रहे हैं। और व्यू के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही तगड़ा व्यू है, बहुत ही तगड़ा व्यू। चलिए अभी चलते हैं जल्दी से। चलिए फाइनली चिल्फी घाट सेक्शन ख़त्म होने के बाद हम लोग आ चुके हैं होटल नटराज में, और यहाँ से हमारा जो रिसॉर्ट है 3 किलोमीटर दूर रह गया है। हम लोग यहाँ पे इसलिए रुके हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ढंग का होटल मिला लंच करने के लिए। होटल का नाम मैं आप लोग को दिखा दूँ, नटराज होटल एंड एडवेंचर रिसॉर्ट्स। तो यहाँ पे आप लोग मैं बता दूँ, कोई अच्छे ज़्यादा होटल वगैरह की उम्मीद मत करिए क्योंकि आप लोग को इस रूट में कोई भी ज़्यादा अच्छा होटल नहीं मिलेगा। ढाबा वगैरह आपको मिल जाएंगे, ढाबा नॉर्मल है आपको मिल जाएंगे, लेकिन होटल्स वगैरह आपको ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेंगे। तो हम लोग ये होटल दिखा, तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं अभी लंच करने के लिए। ऑलरेडी घाट सेक्शन का एरिया जो है आप लोग मेरे अभी वीडियो में देखे होंगे, और यहाँ से जो हमारा रिसॉर्ट है, जो एथनिक रिसॉर्ट है यहाँ का सरोदा दादर, हम लोग वहीं जा रहे हैं, हमारा स्टे वहीं पे है। तो ये वहाँ से, यहाँ से वो अब 3 किलोमीटर रह गया है। मौसम देख लीजिए, वाकई में भाई काफ़ी खूबसूरत है। बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन काफ़ी बदली बदली मौसम है, और ये हाई एल्टीट्यूड में है, पहाड़ के ऊपर में है, तो इसका नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं लंच करने के लिए, देखते हैं क्या लंच में है, वो भी आप लोग को दिखाते हैं, टेस्ट वगैरह कैसा है, प्राइजेस वगैरह क्या है, सारा चीज़ दिखाएंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को, यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर बाद, या बोल सकते हैं यहाँ से हमारा जो MP मध्य प्रदेश का बॉर्डर है वो लग जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो गाड़ी MP की देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर देख लीजिए सफारी के लिए एक जीप रखा है, वो भी MP का ही है। ठंड के दिन में यहाँ पे और भी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। हमारा छत्तीसगढ़ का सेक्शन जो है चिल्फी घाटी के ठंड के नाम से काफ़ी फेमस है। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग अंदर लंच करने के लिए। हाँ जी, तो देख लीजिए ये हमारा होटल नटराज होटल एंड एडवेंचर रिसॉर्ट्स, और ये यहाँ का कुछ मेनू है और यहाँ के प्राइजेस है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो शायद आप लोग को हेल्प हो जाए इस वीडियो के द्वारा, इसलिए मैं आप लोग को ये सारा चीज़ दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, अब क्या ऑर्डर किया है फ्रेंड लोगों ने वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जैसे ही खाना आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक बार यहाँ का अंदर का एम्बियंस दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ऐसा कुछ एम्बियंस है यहाँ का, काफ़ी अच्छा होटल है अंदर से। तो अब देखते हैं टेस्ट वगैरह कैसा है, वो भी बताते हैं आप लोगों को खाना वगैरह आता है तो। जी, तो देख लीजिए आ गया हमारा लंच यहाँ का, ये दाल हो गया, ये हमारा वेज कोल्हा पूरी है, और ये क्या है सेब भाजी, और ये हमारा तंदूरी रोटी। तो चलिए जल्दी से इसको फिनिश करते हैं और एक साथ में आप लोगों को ओवरऑल रिव्यू देते हैं। चलिए फाइनली हमारा लंच हो गया है, और मैं बता नहीं सकता, होटल के हिसाब से काफ़ी अच्छा खाना था। अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा तो 4 out of 5 आराम से दे सकता हूँ, क्योंकि जितने भी चीज़ें हमने मंगाई सारी अच्छे थे। तो मैं अपने तरफ से रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग आओ तो इस होटल में एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं अब हम। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपना रिसॉर्ट, और तैयार हो जाओ भाई सीन देखने के लिए। वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए पीछे पूरा पहाड़ एरिया है, टोटल एरिया मैं आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगा, अभी हमारे रूम जाएंगे तो। अभी ये देख लीजिए पूरे लाइन से कॉटेजेस वगैरह बना हुआ है, सरोदा दादर रिसॉर्ट इसका नाम है, ये हमारे छत्तीसगढ़ टूरिज़्म के अंदर में आता है ये रिसॉर्ट। और ये एरिया देख लीजिए, इतना शांत और इतना सुकून भरा एरिया है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। ले देखे जियो का टावर अभी हमारा साथ दिया था कुछ दूर तक, लेकिन जैसे ही हम लोग अंदर घुसे आने के लिए यहाँ पे रिसॉर्ट के लिए, तो यहाँ हमारा टावर साथ छोड़ दिया है, नेटवर्क वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए ये हमारा कुछ ऐसा रिसॉर्ट है, यहाँ के ऐसे कुछ रूम्स वगैरह हैं, और पीछे का नज़ारा तो भैया आप लोग देख ही सकते हो, इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, मतलब और बहुत ही सुंदर जगह है भाई, बहुत ही सुंदर जगह है। मैं आप लोग रूम में जाता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ अंदर से कि कैसा है इसका व्यू वगैरह, अंदर से एम्बियंस वगैरह कैसे है इसका। ये देख लीजिए यहाँ का रिसेप्शन है, हमारे जो भाई लोग हैं उन लोग चेक इन वगैरह करा रहे हैं। यहाँ पे कैरम टेबल वगैरह भी लगा हुआ है, आप लोग चाहे तो इसका भी इंटरटेन ले सकते हैं। ये देख लीजिए रिसेप्शन, आउटसाइड फूड एंड लिकर नॉट अलाउड इन। यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ मिल जाएंगी, जैसे वॉलीबॉल और बैडमिंटन के लिए नेट्स वगैरह लगे हैं यहाँ पे,
मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया, ये मेन रिसेप्शन है, उसके उस तरफ भी, उसके पीछे तरफ भी रिसॉर्ट्स वगैरह है, रूम्स वगैरह है, और इस तरफ भी है कॉटेजेस रूम्स वगैरह हैं। तो जो हमारा रूम वगैरह है तो इस साइड में है। तो चलिए चलते हैं अंदर से, रूम का व्यू वगैरह आपको सारा चीज़ दिखाएंगे। हाँ जी भाई, तो देख लीजिए ऐसा कुछ नज़ारा है हमारे रिसॉर्ट का। और ये है हमारा वाला कॉटेज जिसमें कि दो बेडरूम्स वगैरह दिए हैं और जिसमें एक रूम में डबल बेड दिया हुआ है, और चाहे तो आप पर्सन ऐड करके एक और बेड लगवा सकते हैं। इसका प्राइसेस चार्जेस वगैरह मैं सारा आप लोगों को अभी बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग रूम टूर ले लीजिए। एक रूम ये सामने हो गया और एक रूम ये हो गया आप लोगों का। यहाँ पे बेड देख लीजिए, डबल बेड है यहाँ पे, और यहाँ पे वॉशरूम मिल जाएगा, साथ ही साथ आप लोग को ड्रेसिंग रूम मिल जाएगा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ वॉशरूम है, काफ़ी नीट एंड क्लीन बनाया गया है। आपको एयर कंडीशनर रूम मिल जाएगा, सामने एसी भी लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा रिसॉर्ट है, काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन है, और काफ़ी सुकून भरा रिसॉर्ट है ये। और सामने व्यू तो आप लोग देखते ही रह जाओ, बस ऐसा व्यू है, मतलब इतना सुंदर व्यू है। पीछे एक बार बालकनी का व्यू दिखाता हूँ। हाँ जी भाई, तो ये देख लीजिए ऐसा कुछ व्यू है हमारे बालकनी से। सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ के लिए लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, जो नज़ारा एंजॉय करने के लिए आते हैं, सरोदा दादर एथनिक रिसोर्ट। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, पीछे पूरा पहाड़ बादल से ढका हुआ है। शायद आप लोग को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, मैं फिर भी आप लोग को जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही अच्छा रूम लोकेशन है, और लोग खासकर सिर्फ यही इंजॉय करने के लिए आते हैं यहाँ पे, और हम लोग भी इसीलिए आए हैं। और इस रूम का मैं प्राइजेस वगैरह आप लोगों को बता दूँ, इस रूम का प्राइस हम लोगों ने पे किया है 6500 पाँच लोगों का, सिर्फ दो रात और तीन दिन के लिए। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो पर हेड आप लोग को मेरे ख्याल से 1200 या 1300 कुछ पड़ जाएगा दो दिन का। मेरे हिसाब से काफ़ी रिजनेबल है, और इस लोकेशन के हिसाब से तो बहुत ही चीप है। तो बहुत अच्छा लोकेशन में है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। चलिए देखते हैं अभी हमारा आगे और क्या प्लानिंग है, यहाँ से कहाँ जाते हैं हम लोग। हालाँकि अभी तो इतना थक के आए हैं हम लोग, बीच में रुकते रुकते आए हैं, तो हम लोग आज रिसॉर्ट ही इंजॉय करने का सोच रहे हैं। तो चलिए, वैसे जो भी प्लानिंग बनता है हम लोग आपको दिखाएंगे। रूम का टूर तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया हूँ, तो मिलते हैं जैसे जो भी होगा थोड़ी देर बाद में आपसे, वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। डिसाइड ये हुआ कि हम लोग आज रिसॉर्ट में स्टे करेंगे, कल जाएंगे आसपास में घूमने के लिए, कुछ जगह है वैसे मेरे को तो अभी नहीं पता है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे आप लोग को पता चल जाएगा। ये हमारा कॉटेज है, हम लोग इसी कॉटेज में स्टे किए हैं। पीछे का व्यू एक बार देख लीजिए आप लोग फिर से, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह बिल्कुल नहीं है, जियो का थोड़ा बहुत टावर वगैरह आता है, बाकी तो आप लोग को किसी का नेटवर्क नहीं मिलेगा। और सेकेंड चीज़ मैं आप लोग को ये बता दूँ कि कवर्धा जो शहर है वो अपने तितलियों के नाम से भी काफ़ी फेमस है, तो ये बटरफ्लाई का एक गढ़ माना जाता है कवर्धा शहर को। चलिए अभी हम लोग आ गए हैं कैरम का मजा लेने के लिए। हाँ जी, तो देख लीजिए हम लोग अभी निकले कैरम खेल के, तो हम लोग आए थोड़ा सा रिसॉर्ट घूमने के लिए। तो इस तरफ आपको वुडन कॉटेजेस वगैरह मिल जाएंगे जिसके प्राइजेस वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा है जिसमें हम लोग रुके हैं उससे। ये भी काफ़ी अच्छे लोकेशन पर हैं, बट मैं आप लोग को प्रेफर करूँगा जिस कॉटेज में हम लोग रुके हैं उस वाले लाइन में आप लोग रुकिए अगर आएंगे तो, क्योंकि ये कॉटेज के पीछे जो व्यू है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी दूर है डिस्टेंस, पेड़ वगैरह है, तो इसलिए इसका व्यू वगैरह तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट नो डाउट कॉटेजेस वगैरह अच्छे हैं यहाँ के, तो काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है इसको। तो चलिए अभी हम लोग को हमारे होटल वाले ने बताया कि यहाँ पे वीआर वॉश टावर है, आप लोग जाके अगर थोड़ी देर में आ सकते तो आ जाइए, वरना अंधेरा हो जाएगा। तो हम चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं यहाँ से क्या व्यू है। तो ये देख लीजिए आ गए हम लोग वॉश टावर के ऊपर में, काफ़ी सुहाना मौसम है और बहुत ज़ोरदार एरिया है, और यही रोड है। ऑफ रोडिंग करते हुए अभी हम लोग यहाँ से आए हैं, और ये रही हमारी गाड़ी। भाई नज़ारा देख लीजिए एक बार यहाँ का, खतरनाक व्यू भाई। हल्का हल्का बारिश का फुहारा आ रहा है, वो तो अलग ही मज़ा दे रहा है। और ये देख लीजिए आप लोग जूम करके दिखाता हूँ, हमारा रिसॉर्ट दिख रहा है वहाँ से। बीच में रास्ता ख़राब है इसलिए हम लोग पैदल नहीं आ पाए, वरना पैदल आते तो हम लोग को ज़्यादा पास पड़ता। चलिए जब तक हम लोग फोटो शूट कराते हैं आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। हाँ जी, तो ये देख लीजिए हमारा होममेड सूप यहाँ पे अभी बन के तैयार हो चुका है,
हम लोग रेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे भाई लोग वहाँ पे सूप और मैगी बनाने में लगे हुए हैं, तो मैगी अभी बन रहे हैं, वो भी बनते हैं, तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि आज रात का जो हमारा डिनर है वो यही होने वाला है। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने भूल गया आप लोगों को। यहाँ के होटल का जो नंबर है, रिसॉर्ट का जो नंबर है, मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो उसको, वहाँ डायरेक्ट फ़ोन लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों को शायद नंबर यहाँ का डायरेक्ट नहीं मिलेगा, और जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म का नंबर मिलेगा वो सीधा रायपुर हेडक्वार्टर कनेक्ट होता है, तो यहाँ का नंबर मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। और अभी बहुत ही प्यारा हवा चल रहा है, एकदम ठंडा ठंडा, और एकदम हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है, तो बहुत अच्छा फेस में आ रहा है वो। चलिए उसके साथ, मौसम के साथ ही सूप का मज़ा लेते हैं, फिर मैगी आता है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख लीजिए, हमारा सूप पीने के बाद यहाँ पे मैगी बन के तैयार हो चुका है हमारा, वो भी सिर्फ केटल में, जो रूम में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है होटल्स वगैरह में, उसी में बनाई है मैगी। तो चलो इसका भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सबका पेट वगैरह भरा हुआ है, तो हम लोग डिनर को स्किप करने का प्लान किए, और साथ ही साथ इसके मैगी के साथ काम चलाते हैं। चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए फाइनली हो गया हमारा डिनर, मतलब मैगी डिनर हो गया आज का, क्योंकि हम लोग के लिए काफ़ी था ऑलरेडी, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो मिलते हैं सीधे आपसे कल, यानी कि न्यू मॉर्निंग, फ्रेश मॉर्निंग में एक नए व्यू के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। चलिए।